हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास नाइन्थ का एको का चैप्टर वन, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आज हम पेज नंबर 10 कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पेज में हमारी लास्ट हेडिंग रह गई थी पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। इससे पहले हमने सारी कृषि क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है कि पालमपुर में किस तरह की कृषि क्रियाएं होती थी और कौन किस तरह से श्रम और भूमि का इस्तेमाल करके उससे उत्पादन प्राप्त किया जाता था। आज हम पढ़ेंगे पालमपुर में कुछ गैर कृषि क्रियाएं, किस तरह की गैर कृषि क्रियाएं होती थी और किस तरह से लोग उत्पादन करके अपना भरण पोषण करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि दो तरह की एक्टिविटीज होती थी पालमपुर विलेज में। पहली थी कृषि क्रियाएं और दूसरी गैर कृषि क्रियाएं। और कृषि क्रिया में जो लोग काम करते थे उनकी संख्या ज्यादा थी इन कंपैरिजन ऑफ दी गैर कृषि क्रियाएं। तो इसके अंतर्गत हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, किस तरह के लोग काम करते थे, तो उसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट गैर कृषि क्रिया है, वो है डेयरी। ये भी एक प्रचलित क्रिया थी वहां की। तो पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा, ब्रैकेट में चरी लिखा हुआ है, इसका मतलब बाजरा को हम चरी भी कई एरिया में इस नाम से भी जाना जाता है, खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गाँव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो पालमपुर में जो पहली प्रचलित क्रिया है, जो गैर कृषि क्रिया है, वो है पालम डेयरी। और यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी भैंसों को पालते हैं और उन भैंसों को वो घास, कई तरह की घास खिलाते हैं और बरसात के मौसम में जो उगने वाली ज्वार और बाजरा है, जिसे हम चरी भी कहते हैं, उसे खिलाते हैं। साथ में जो दूध का प्रोडक्शन होता है उसको वो बड़े गांव रायगंज में बेचते हैं। और शाहपुर जो दूसरा एक गांव है वहां पे, तो जो कनेक्टेड है पालमपुर से, शाहपुर शहर के भी दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो शाहपुर में इस दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र को खोला गया है। इसका मतलब कि वहां पे दूध की, जिसे हम लोग कहते हैं, एक फैक्ट्री खोली गई है। तो वहां पे पालमपुर से दूध भेजा जाता है और वहां पे वहां से फिर वो पैक होके दूर दराज के इलाकों में भी बेचा जाता है। तो ये एक प्रचलित क्रिया है डेयरी पालमपुर गाँव की। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरी कौन सी प्रमुख क्रिया है। ये आपकी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे जो सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे कि दूसरी जो गैर कृषि क्रिया है वो है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। अगर हम पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण की बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो पालमपुर में 50 से कम लोग, तो इसका मतलब बहुत ही कम संख्या में लोग इसमें काम करते हैं, लघु स्तरीय विनिर्माण के कार्यों में काम करते हैं। और शहरों और कस्बों में अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो काम किया जाता है। बट इसके विपरीत, इसके अपोजिट अगर हम पालमपुर का कंपैरिजन करें, तो पालमपुर में क्योंकि साधनों की बहुत कमी है, लोगों के पास मेथड नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो इस वजह से पालमपुर में जो विनिर्माण होता है वो बहुत ही लघु स्मॉल स्केल पे होता है और बहुत ही सरल उत्पादन होता है और बहुत ही सरल विधियों की सहायता से ये होता है उत्पादन और छोटे पैमाने पर होता है। क्योंकि इंग्लिश में वर्ड है और आपका हिंदी में वर्ड है लघु स्तरीय, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मॉल का मतलब होता है कि छोटे छोटे पैमाने पर जो भी हम प्रोडक्शन इसमें करते हैं वो बहुत ही कम पैमाने में करते हैं, कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ज्यादा में आपके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है लार्ज
प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ छोटे पैमाने पर ही चीजों का उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा जगह जगह की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा मशीनों की न्यू काइंड ऑफ मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। साथ में जो लोग होते हैं घर के संख्या में भी वो कम ही इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लघु स्तरीय विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। तो यही मैं आपको बताई थी कि इसमें ज्यादा कुछ बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है, घर के लोग ही पारिवारिक श्रम की सहायता से ही घरों या खेतों में हम लघु स्तरीय विनिर्माण कर सकते हैं। तो ये जैसे पालमपुर विलेज में किया जाता था, श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता था। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी या घर के लोग कम है, तब आप श्रमिकों को दूसरे लेबर्स को कभी कभी किराए पर रख सकते हैं। किराए पर लिया जाना मतलब आप उनको डेली उनके काम के अनुसार उनको वेतन दे देंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, जिसे इन्होंने कहा घरों या खेतों में किस तरह के आप काम से मतलब हो रहा है या गैर कृषि क्रियाओं से, तो बहुत ही इजी एग्जांपल है। जैसे कि ग्रुप ऑफ अगर हम बोलें कि कुछ जैसे हाउस वाइफ्स हैं, हाउस लेडीज हैं, अगर वो घर में ही जैसे पापड़ का बिजनेस कर लें, है ना, घर में ही छोटे पैमाने पर बनाना स्टार्ट कर दें पापड़ का या अचार का बिजनेस, तो ये भी एक तरह का लघु स्तरीय विनिर्माण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह से अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारा पेज नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। आप आई थिंक लास्ट ही पेज बचा है आपके इस चैप्टर का, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन, साथ में इसका हम कंक्लूजन भी आज कंप्लीट करेंगे। मिक्सी, तो यहाँ पे दो स्टोरीज दी हैं और ये दो स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं और किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पहली कहानी है मिश्री लाल की कहानी और दूसरी कहानी है करीम की कहानी। तो पहले देख लेते हैं मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्या मशीन होती है, गन्ना पेरने वाली एक मशीन। अगर आपके घर में कोई आई थिंक आपके दादा दादी हैं या तो आपके मम्मी पापा भी, अगर उनको थोड़ा सा गांव के बारे में नॉलेज होगी, और वास्तव में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हम सब गांव में ही रहते हैं। आज पहले ये गांव ही होते थे, पर आज बड़े बड़े घर बन गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गए, तो हमें लगता है ये शहरों में हम रह रहे हैं, पर आज भी हमारा जो रहन सहन है वो हमारे गांव की छवि को दर्शाता है। तो इस तरह से आज भी लोगों को नॉलेज है इस बारे में कि गन्ना पेरने वाली मशीन क्या होती है। तो जैसे हम जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, तो वास्तव में इन चीज ये जो चीजें बनती है किससे बनती है, ये बनती है आपके गन्ने से। तो जो गन्ने का रस है उसको निकालने के लिए मशीन इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम बोलते हैं गन्ना पेरने वाली मशीन। तो मिश्री लाल ने क्या कहा, क्या किया मिश्री लाल ने, गैर कृषि क्रिया को एक स्टार्ट किया, उसने कृषि नहीं किया, कृषि के अलावा उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें उसने एक गन्ना पेरने वाली मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है, और उसे क्योंकि मशीन है तो जाहिर सी बात है कि वो बिजली से चलती है, और उसे अपने खेत में लगाया, उसने अपने खेत में ही उसको लगा लिया। तो और पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। तो इस तरह से क्योंकि उसके खुद के खेत में गन्ने लगते हैं, तो क्यों वो फालतू किसी और को बेचे, क्यों ना वो और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए क्यों ना उस गन्ने के इस्तेमाल से वही के वही खेत में पेरे और उससे गुड़ बना के दूसरे किसानों को या दूसरे व्यापारियों को बेच दे। तो इसी यहाँ पे देखिए बिल्कुल मेंशन किया है कि मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है, जो पास पास में खेत है उनमें भी अगर गन्ना उत्पादन होता है तो वो भी जो किसान है वो भी मिश्री लाल को ये गन्ना दे देते हैं, मतलब बेच देते हैं और वो अपना पैसा ले लेते हैं। तो इस तरह से ये गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है, जिसमें मैंने अभी आपको एकदम क्लियर किया कि गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है, जैगरी, जिसे हम इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। तो गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है, और इस तरह से मिश्री लाल खेती के अलावा थोड़ा और बिजनेस करके, थोड़ा और मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी कहानी है करीम की कहानी। तो देखते हैं करीम ने किस तरह का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, किस तरह का स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया। तो करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी, उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया।
उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है। तो इस तरह से करीम की भी थोड़ी सी इनकम बढ़ गई। तो करीम ने क्या किया, करीम ने देखा कि एक कंप्यूटर गेम क्यों ना खोल लिया जाए, क्योंकि उससे पहले उसने देखा कि जो पालमपुर में कोई भी इस तरह का, हमने पढ़ा था कि स्कूल तो है बट कोई कॉलेज नहीं है, और कॉलेज भी कैसा, कोई स्किल डेवलपमेंट वाला कॉलेज नहीं है जहां विद्यार्थियों के कुछ सीख सके और फिर जॉब पाने में उनको आसानी रहे। तो इसलिए उसने क्या किया, वहां पे करीम ने एक कंप्यूटर गेम खोलने का निश्चय किया और अपने घर में इसको स्टार्ट किया, कक्षाएं देना स्टार्ट किया। और उसने देखा कि गांव में कुछ दो महिलाएं हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, उनके पास डिग्री है कि कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है। तो उसने उन दोनों महिलाओं को काम पे लगा लिया, उनको काम पे रख लिया, और इस तरह से उसने एक अपने घर के ही एक कमरे में, जो बाजार की तरफ जो रास्ता था उसके बाहर जो कमरा एक पड़ता था जहां से मार्केट का रास्ता था, तो वहीं पे उसने उसके कमरे में कंप्यूटर सिस्टम को सब ऑपरेट किया, सबको अच्छे से रखा और फिर स्टार्ट किया ये एक स्मॉल लेवल पे बिजनेस। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे आने लगे और कक्षाएं प्रारंभ होने लगी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मिश्री लाल और करीम ने अपना लघु स्तरीय विनिर्माण गैर कृषि क्रियाएं स्टार्ट की। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मिश्री लाल के इस काम से उसको क्या कोई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, करीम को क्या प्रॉफिट हुआ। तो आइए चर्चा करें, मिश्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी। तो अगर उसने गुड़ पेरने वाली मशीन को लगाया तो इसके लिए ऐसी बात है कि कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो सोचो उसको कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी होगी, जितनी की वो मशीन आती होगी उतनी पूंजी की उसको जरूरत पड़ी होगी। इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है, क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है। मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में ना बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस कहानी से रिलेटेड है, ये आप सोचिएगा और प्लीज मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा और आपको आंसर मिल गया है तो आप मुझे वो भी बताइएगा। सेकेंड, हम देखते हैं करीम की स्टोरी से हमें क्या समझ में आया और क्या किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है, इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया, संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा एकदम क्वेश्चन आ गया कि इससे पहले भी तो एक दुनिया तो हमेशा ही रहती है, तो इससे पहले क्यों नहीं किसी ने वो चीज सोची जो कि करीम ने सोचा कि क्यों ना एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया जाए। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब हमारे जो थर्ड टॉपिक आ रहा है वो है पालमपुर के दुकानदार। तो हमने अभी तक दो गैर कृषि क्रियाओं के बारे में डिस्कस किया, पहला आपका जो है वो डेयरी है, सेकंड आपका जो है वो है आपका लघु स्तरीय विनिर्माण, और थर्ड आपका है पालमपुर के दुकानदार। तो दुकानदार जो होते हैं वो भी एक गैर कृषि क्रियाओं में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। यहाँ पे जो दुकानदारों की बात करें, बिजनेस की बात करें, व्यापारियों की बात करें तो बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि सारे ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि ही करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गाँव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गाँव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है, वे खाने की चीजें बेचते हैं। तो हम थोड़ा सा दुकानदारों का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, किस तरह के दुकानदार थे वहां पे, कौन कौन सी दुकानें थी, थोक बाजारों से किस तरह से वस्तुओं को लाया जाता था और किस तरह से गांव में लोगों को वहां से थोक बाजारों में इसमें सस्ते दामों पे चीजें, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें लाते हैं एक साथ, तो उनको थोक बाजारों का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी चीजों को खरीदना और उसमें थोड़ा सा आपको रेट में डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब कम पैसों में, थोड़ा सा कम पैसों में आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, वही चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो वो फिर वहां से बड़े बड़े बाजारों से जाके ले आते हैं, थोक बाजारों से दुकानदार पालमपुर के व्यापारी
और फिर अपने पालमपुर गांव में इन सामानों को लाके बेचते हैं। तो अब जब बेचते हैं तो आप देखेंगे कि गांव में हर तरह का सामान बेचा जाता है। कुछ जनरल स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर्स में भी पूरा का पूरा जो राशन का सामान होता है, जो हमारी जरूरतों का सामान होता है, स्टेशनरी जैसे कॉपियां, पेन, पेंसिल, इस तरह की हर चीजें हमें मिल जाती है पालमपुर गाँव में। साथ में कपड़ों की भी दुकान है। अच्छा, एक चीज और कि कुछ परिवार अगर देखें तो कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, तो ये भी एक बिजनेस करने का एक आइडिया आता है कि आपको पहली बार आप जब कभी भी कोई चीज प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो आपको हमें पता है ये सब चीजें तो जरूरत पड़ती है। हमें भूमि चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें जो हम कैपिटल चाहिए, और बट इसके साथ ही आपके साथ ये आइडियाज भी होते हैं कि हम कहाँ दुकान खोलें, लोकेशन किस लोकेशन में खोलें जहां पे दुकान ज्यादा चले या ज्यादा ज्यादा बिजनेस हो। तो इसी तरह अगर बस स्टैंड का देखें तो यहाँ पे इन्होंने तीन लाइन, जो लास्ट की तीन लाइन है, बहुत ही इजी लाइन है, बस हमें समझना है कि उसके पीछे जो उसका मोटिव क्या है, रीजन क्या है, कि कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है, वे खाने की चीजें बेचते हैं। तो क्यों उन्होंने अपने घर के छोटे भाग में छोटी दुकानें खोल ली है, क्योंकि जो बस स्टैंड के जो इलाके होते हैं या रेलवे स्टेशन के पास जो इलाके होते हैं तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं, और जब लोग ज्यादा जहां पे होंगे तो ऑफकोर्स वहां पे बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी भी हो जाएगी आपकी और इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर्स रिक्वायर होते हैं, कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो आपका सामान कौन खरीदेगा। तो इस वजह से ज्यादातर ट्राई करते हैं कि लोकेशन पे भी चीजें निर्भर करती हैं कि किस जगह पे आप कौन सी दुकान खोलें जो ज्यादा चले। तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन इस तरह की जो जगहें होती हैं जहां पे ज्यादा आपका सामान लोग खरीद सकते हैं, तो वहां पे और लोग यात्री हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो खाने की चीजें ज्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पे लोग जो है जैसे समोसे या कोई भी चीजें इस तरह की बना के आराम से वहां पे बेचते हैं, मिठाइयां। आप लोगों ने जब ट्रैवल किया होगा तो आपने भी ये सब चीजें नोटिस की होंगी। आज भी जैसे अगर आपके घर में भी कोई इस तरह का बिजनेस सोचता है तो वो हमेशा ही कहते हैं काश हमारा घर जो है रोड के है ना, वहां पास मेन रोड के वहां पे होता तो हम एक शॉप खोले थे। अभी भी अगर आप बहुत जगह ट्रैवल करते हो तो आपने चीजें देखी होंगी कि ज्यादातर जो दुकानें होती हैं वो मेन रोड पे ही होती है, क्योंकि वहां से लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी में गुजरते हैं, जिस वजह से ज्यादा बिक्री सामानों की होती है। तो इस तरह से हमने पालमपुर के दुकानदारों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट लास्ट हमारी फोर्थ गैर कृषि क्रिया आ रही है, वो परिवहन है। तो परिवहन ट्रांसपोर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी बहुत लोग अपनी इनकम को कमाते हैं। अगर वो कृषि नहीं करते तो और भी तरह के सोर्सेज होते हैं जिससे वो जहां वो काम करते हैं ऑक्यूपेशन में, और अपने इनकम सोर्स को अर्न करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके साथ ही परिवहन के साथ एक उन्होंने टाइटल जोड़ दिया, एक हेडिंग भी बोली है, तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र, एक सेक्टर। अगर हम देखें आज ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा सेक्टर धीरे धीरे बनता जा रहा है, और आज बहुत सारे लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे आज अगर मैं एकदम करंट एग्जांपल बताऊं आपको, तो आपने ओला के बारे में सुना होगा, ओला टैक्सीज के बारे में, जो ऑनलाइन आप बुक करते हैं और आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, आप जहां जाना चाहते हैं आप आराम से चले जाते हैं बुक करके। तो इस तरह से परिवहन भी है जो धीरे धीरे इतना अच्छा बिजनेस बन गया जिससे बहुत लोग अपने इनकम सोर्स को कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं। तो आप हम एकदम पालमपुर से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है पालमपुर विलेज के बारे में नहीं है, पालमपुर की बस एक कहानी के रूप में एनसीईआरटी बुक ने जिस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह से चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छे एक कहानी के रूप में उस चीज को समझ जाए, एकदम खेलते हुए है ना, इस तरह से वो समझ जाए, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। मेन हमारा फोकस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, लर्निंग तो वो अपने आप, क्योंकि ये कोई चीजें ऐसी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा साइंटिफिक लॉजिकल चीजें जो हमें एकदम बहुत गहराई से समझनी है और बहुत उस पर ध्यान देके लर्न करना है, बहुत टाइम वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। बहुत जनरल चीजें हैं और हम ये सब चीजें अपने आसपास घरों में देखते हैं। तो हर चीज को अपने लाइफ से कनेक्ट करिए, क्योंकि ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो जो भी कॉन्टेंट एसएससी बुक्स में होता है वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होता है, और बहुत ही इजिली आपको लर्न हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, आपको थोड़ी कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत है कि आप किस तरह से इन चीजों को कनेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए पालमपुर में किस तरह का परिवहन होता था। तो पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। पहली बात, परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे रोड होना बहुत जरूरी है। अगर रोड ही नहीं होगी तो आप परिवहन कैसे करेंगे, किस पे गाड़ियां चलाएंगे? और जो सड़कें होती हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी सड़कें होनी चाहिए जो हर एक
वेदर में इस्तेमाल हो, हर वेदर का मतलब हर मौसम में इस्तेमाल के लायक हो। ऐसा ना हो कि बारिश में इतना पानी भर जाए वहां पे या इतने गड्ढे हो जाए कि वाहन वहां से निकल ही ना पाए, फंस जाए, तो उसमें प्रॉफिट तो नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो रोड भी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद किस तरह के व्हीकल्स यूज होते थे वहां पे, तो वो थे रिक्शा वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। तो जो लोग इस सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं तो वो इन तरीकों से, जैसे रिक्शे वाले हैं, रिक्शा चलाते हैं, टांगे वाले हैं, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर है तथा परंपरागत बैलगाड़ियां और दूसरी गाड़ियां भी चलती हैं। तो जो भी लोग इन गाड़ियों को चलाते हैं और पैसा कमाते हैं, तो वास्तव में वो किस तरह का काम कर रहे हैं, किस सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं परिवहन सेवाओं में, सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, साथ ही परिवहन सेवाओं में वो शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उनसे जो पैसे मिलते हैं उसी से वो अपना खर्च चलाते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो मैंने वही चीज अभी आपको बताई कि बहुत लोग आज ये इस परिवहन से रिलेटेड है। अगर कुछ गरीब है तो वो सोचता है काश मेरे पास एक ऑटो होता, काश मेरे पास एक टैक्सी होती, काश मेरे पास एक रिक्शा होता जो मैं खुद चलाता और खुद अपना इनकम कमाता। तो इस तरह से हमने ये गैर कृषि क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप कृषि क्रियाओं, कुछ लोग कृषि क्रियाओं के साथ साथ कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी करते हैं, क्योंकि कृषि क्रियाएं पूरे साल हम नहीं करते, पूरे साल इन द सेंस की जैसे बुआई और कटाई के समय ज्यादा काम होता है। तो एक घर के कुछ लोग खेत भी संभाल ले सकते हैं और कुछ लोग गैर कृषि क्रियाएं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलजुल के जब सब लोग काम करेंगे तो वास्तव में जो प्रोडक्शन है उत्पादन ज्यादा होगा और इनकम अच्छी होगी, और जब इनकम अच्छी होगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो एक हम फिर से एक स्टोरी यहाँ पे दी है, तो हम ये स्टोरी भी कवर कर लेते हैं। किशोर की कहानी दी गई है। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी वे गोल्ड अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो देखिए, मैंने यही चीज आपको अभी इससे पहले बोला कि बताया था कि कुछ लोग ना कृषि क्रियाएं करते रहते हैं और साथ में गैर कृषि क्रियाएं भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सके। तो यहाँ किशोर की भी कहानी हमें यही बताती है कि पहले वो एक मजदूर के रूप में काम करता था, फिर जब सरकारी बैंकों ने, क्योंकि सरकार भी बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम चलाती है जिससे कि इन लोगों को इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करा जा सके, इनके परेशानियों को दूर करा जा सके, तो सरकारी बैंकों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें निर्धन लोगों को कुछ कर्जा, सस्ते दामों पे कुछ कर्जा दिया। तो उस कर्जे से किशोर के पास जब कुछ पैसा आ गया तो उसने क्या खरीदी, उसने भैंसों को खरीद लिया और इस तरह से उसने वहां डेयरी का वर्क भी स्टार्ट किया, दूध बेचने का काम भी स्टार्ट किया जो एक गैर कृषि क्रिया है। साथ में उसने उससे भैंसा गाड़ी भी बना ली और भैंसा गाड़ी से वो क्या करने लगा, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन भी एक गैर कृषि क्रिया है। तो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाता और देता था जिससे उसकी इनकम काफी इम्प्रूव हो गई। तो ये हमने पूरे चैप्टर से समझ लिया। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें। किशोर की स्थायी पूंजी क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ? देखिए, मैंने लास्ट क्वेश्चन वही बोली, सड़कें अच्छी सड़कें होनी चाहिए, ये नहीं कि सड़कें हैं पर अच्छी नहीं है तो बिजनेस आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन आया, तो इसलिए मैं आपको बोलूँ कि एक हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी लाइन से किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है क्लास 9 से स्पेशली। तो आप इस आंसर को ट्राई करिएगा, सोचिएगा क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारांश दिया है। सारांश मतलब पूरे चैप्टर का एक
कंक्लूजन दे दिया गया है कि पूरे चैप्टर को हम एकदम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्लास में इसको आप रिवीजन भी बोल सकती हूँ, तो हम एकदम फटाफट रिवीजन देख लेते हैं कि किस तरह से पूरे काम की कहानी में हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक गांव में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज्यादा गांव कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा सारांश था। तो इस तरह से पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन।